दोस्तों इस वाली वीडियो के लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं Redmi Note 8 Pro जो बस इंडिया में लॉन्च ही होने वाला है। आप सभी का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। मैं इस फ़ोन का बहुत सारे फ़ोन के साथ कंपैरिजन वीडियो बनाने वाला हूं और दोस्तों हमारे पास है Realme XT, Realme 5 Pro, Vivo Z1X, Samsung M30s, Mi A3, Redmi Note 7 Pro जैसे फ़ोन्स और सबके साथ डिटेल में कंपैरिजन करेंगे, कैमरा कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए बगैर किसी देरी के हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ खास हमें बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। तो फ्रंट में दोस्तों कुछ इस तरह का बॉक्स आपको देखने को मिलता है, इसके बैक में कुछ हाइलाइटिंग स्पेक इसके मेंशन किए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है इसका सील को ब्रेक कर देते हैं और ये हो गया हमारा फ़ोन अनबॉक्स। सबसे पहले ऊपर में एक बॉक्स दिया गया है जिसमें देख लेते हैं क्या कुछ खास है। तो यहाँ पर एक सिम इजेक्टेड टूल है, साथ में कुछ पेपर्स हैं, तो ये तो हम देखते नहीं हैं, साइड में रखते हैं इसको। इसमें एक टीपीयू केस भी दिया गया है जिसको निकाल लेते हैं बाहर और देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। तो ठीक ठाक है, जैसे आपको रेडमी के फ़ोन्स में टीपीयू केस देखने को मिलता है कुछ उसी तरह की क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। तो इनको रखते हैं साइड में और देखते हैं फ़ोन की तरफ। ये रहा हमारा प्यारा सा रेडमी नोट 8 प्रो वाइट कलर में। एक बात बोलूँ दोस्तों, फर्स्ट लुक में कमाल का लग रहा है, काफ़ी क्लियर डिवाइस लग रहा है और वाइट कलर में क्या बताऊँ आपको, एकदम बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है ये फ़ोन। इसके बैक में कुछ स्टिकर्स हैं, फ्रंट में भी स्टिकर है, तो इसको हम हटा लेते हैं और फ़ोन को कर लेते हैं ऑन। दोस्तों जब तक फ़ोन सेटअप होता है हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन के हाईलाइटिंग स्पेसिफिकेशन और ओवरव्यू के बारे में। फ़ोन में आपको 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसमें एक छोटा सा नॉच ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इस बार दोस्तों बेजल्स भी काफ़ी कम कर दिए गए हैं, चाहे आप ऊपर देखें, नीचे देखें या फिर साइड में देखें, काफ़ी कम बेजल्स देखने को मिलते हैं। अच्छी बात यह भी है कि गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाती है। इसका बैक पैनल ग्लास से बना हुआ है, पीछे भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। पीछे आपको क्वाड रियर कैमरा, LED फ्लैश और फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, साथ में नीचे Redmi की ब्रांडिंग दी हुई है। कैमरा सेंसर्स के बारे में बात करें तो 64 मेगापिक्सल का सैमसंग GW1 का मेन सेंसर लगाया गया है इसमें, जो आपको Realme XT में भी देखने को मिलता है। उसके बाद 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का आपको एक मैक्रो लेंस देखने को मिलता है। राइट साइड में पावर बटन है और वॉल्यूम की दिया गया है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे है जो हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, यानी इसमें दो सिम के साथ साथ एक माइक्रो SD कार्ड आप नहीं लगा पाएंगे, या तो आपको दो सिम लगाना पड़ेगा या फिर एक माइक्रो SD कार्ड और एक सिम लगा सकते हैं। ऊपर में IR ब्लास्टर और सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक दिया हुआ है। नीचे अगर देखें तो 3.5mm ऑडियो जैक, USB टाइप सी पोर्ट और स्पीकर देखने को मिल जाता है। ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है जिसमें MediaTek का हीलियो G90T का चिपसेट दिया गया है और ये आता है माली G76 MC4 GPU के साथ में। इसमें जो परफॉर्मेंस आपको मिलेगी दोस्तों वो काफ़ी कमाल की देखने को मिलेगी। फ़ोन में 4500mAh की बैटरी दी गई है और साथ में 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। बैटरी बड़ी होने की वजह से फ़ोन का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, तकरीबन 200 ग्राम के आसपास का इसका वेट है, लेकिन आपको ये बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं होगा और इसकी जो इन हैंड फील है दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छी है, आपको काफ़ी प्रीमियम लगेगा ये फ़ोन। फ़ोन MIUI 10 के साथ आता है Android 9 के ऊपर। हमारे पास जो फ़ोन है दोस्तों ये वाइट कलर में अवेलेबल है, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज के साथ में, जिसमें आपको लगभग 115GB का फ्री स्टोरेज देखने को मिल जाता है। और सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें दोस्तों लेटेस्ट एंड्रॉयड का सिक्योरिटी पेज डाला हुआ है, वो है 1/9/2019 का। चलिए ये तो हुई सारे स्पेसिफिकेशन और ओवरव्यू की बात, अब कैमरा टेस्ट करते हैं, देखते हैं इसका कैमरा किस तरह परफॉर्म करता है और क्या ये Realme XT को टक्कर दे पाएगा। तो मैं कुछ कैमरा सैंपल्स आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं किस तरह की कैमरा क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिलती है।
चलिए अब इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक चेक करते हैं। तो ये मैं फिंगरप्रिंट स्कैनर को टच कर रहा हूँ और ये ओपन हो रहा है, काफ़ी फास्ट है नो डाउट। और अब जो है मैं इसका फेस अनलॉक चेक करूँगा। तो ये भी फास्ट है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। इस फ़ोन में IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, लेकिन जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। हालांकि मैं आउटडोर में शूट कर रहा हूँ, उसके हिसाब से देखा जाए तो वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही है, कलर्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन Redmi Note 8 Pro का। अब आप बताओ क्या लगता है आपको इसकी इंडिया की प्राइस क्या हो सकती है, बताना मुझे कमेंट में। वैसे ये भी बताना कि कौन से फ़ोन के साथ आप जो है कंपैरिजन देखना चाहते हो और किस तरह का वीडियो चाहते हो Redmi Note 8 Pro का। मैं अपना फर्स्ट इम्प्रेशन के हिसाब से आपको बता सकता हूँ कि फ़ोन ज़बरदस्त लगा मुझे, और अभी बस इतना ही कहूँगा, मस्त है फ़ोन। आप जो है ज़रूर से इसका वेट करो, बहुत ही मज़ेदार फ़ोन है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, टाइम आ चुका है आपसे अलविदा कहने का इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।